कृपया हमारे चैनल गुलशन कैसेट्स को सब्सक्राइब करें। हाँ साथियों, देखेंगे आगे गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से ये सासू मां और दमान का हास्यरस, ये चुटकला हम जो गुलशन कैसेट कंपनी में पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, तो आ जाइए देखेंगे आगे गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से। लल्ला प्रमोद दमान तीन प्रकार के होते, एक दमान, एक दमदुल्ली, एक दुल्ली। दमान वे हो जो साल भरे में एक बार ससुराल जाए, और दमदुल्ली वे हो जो छह महीना में जाए, और लल्ला दुल्ली वे हो अगर साले साहब खेत में मका नरा तो लाख रुपया संगे मका निर्माण लगे। है एक दमान हते साल बाद ससुराल में गए, जब सासू मां ने देखा है कि मेरे दमान आए हैं तो लल्ला बहुत सेवा करी, रबड़ी घोंट घोंट के पिबाई, और जब रबड़ी घोंट घोंट के पिबाई तो दमान सोचन लगे अगर महीना खंड रुकिए तो हेल्थ अच्छी बन जाए। दमान रुक के ही रही है। ये हास्यरस का चुटकला गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, तो देखेंगे आगे जब सासू मां ने रबड़ी घोंट घोंट के पिबाई तो लल्ला दमान रुक के ही रही है। जब दमान रुक के रही है तो सासू मां के घर में आटा में घाटा पड़ियो, और जब आटा में घाटा पड़ियो सासू मां सोचन लगी अच्छी हमने सेवा कर दी, दमान रुक के ही रही है, है? और जब दमान रुक के रही है अब सासू मां मन ही मन में सोचन लगी अगर मोहसे कहे तो दमान को बुरी लग जाए। लल्ला सासू मां बहुत चालाक रहे, सवेरे के 4 बजे जहां दमान की चारपाई डली तई चकिया लगी रहे, और चकिया पे सासू मां बैठी और पीसन लगी चकिया को, और जब पीसन लगी है तो दमान को सुनाए के एक गाना गान लगी। कौन सो गाना गायो? बाओ भोरा रो और पड़ी आई भाव भुरारो ओस पड़ी गैल चलन लगी तुमका डरे रहे हो। दमान सोचन लगे पल्ले हुई सासू अम्मा हमसे ही कर रही। लल्ला दमान चारपाई से उठे और चारपाई के नीचे घुसिए, और जो चारपाई के नीचे घुसे जो सासू अम्मा ने चारपाई टटोए के देखी तो सासू अम्मा सोचन लगी दमान हते इज्जत वाले चले गए, और जो चारपाई खाली देखी तो खुशी में सासू मां चकिया से बोली रुक जा चकिया ले ले हो से दमान निकरिए हुई 8-10 कोस चकिया ले ले होश दमान तो 8-10 कोस ने करिए। दमान सोचन लगे पल्ले हुई सासू अम्मा हमसे ही कह रही। खटिया के नीचे से निकरे और खटी पे बैठी है, और जो खटिया पे बैठे अब दमान बोले सासू अम्मा से मैया हमसे ही कह रही। सासू अम्मा बोली अबे नहीं तुम्हें शर्म आई, अरे हम बैठे और तुम बैठे और हम किन से कह रही। अब दमान बोले सासू अम्मा से कहा आओ भोरा रो और पड़ी आई ओस खाई के जाई है के कोस जो दमाद ने कई भाव भोरा रो पड़ी ओस खाई के जाई जुलगो भज दिए तो पहुंच जाए। सासू अम्मा सोचन लगी ऐसे जे नहीं जाए, लेकिन लल्ला सासू अम्मा बहुत चालाक रहे बोली है दमान तुम्हें नहीं मालूम
मेरे पति बाहर नौकरी करवे के लिए गए, सब बर्तन बदल लाए। दमान बोले कैसे बर्तन है? तो सासू अम्मा बोली सुनो। अब सासू माँ बोली मेरे बटुआ को नाम मदन गोपाल, छह महीना में बमी बने दाल, जो सासू अम्मा ने कही मेरे बटुआ को नो मदन गोपाल है, वो मैं छह महीना में दार बनते तुम का ही धरे रहे हो। दमान बोले मैया चिंता न करो, अगर तेरे बटुआ को नो मदन गोपाल है तो अब मेरी सुन ले। अब दमान बोले सासू अम्मा से कहा हम मेहमान धन तरुराई, साल पलट जाए तब घर जाए, दमान बोले मैया अगर तेरे बटुआ को नो मदन गोपाल है, छह महीना बमेदार बनते हैं तो हम बे मेहमान है, साले चली जाती घर को मन नहीं कर। सासू अम्मा सोचन लगी ऐसे जे नहीं जे लला डोकर बहुत चालाक रहे, डोकर हुए ते हाथ भरे को डंडा ले चले आए। पहले माताएं अजदार घांगरा पहनती हती खूब चौड़ो चकलो, अब तो लला जमानो ही बदलियो है। और जो दमान को देखो तो डोकर हाथ भरे को डंडा लाए, जो मैया अर्जदार लहंगा पहने अति भाई लहंगा में दे लाठी दे लाठी दे लाठी लग गए डोकर। और एक बात बताए माताओ, तुम्हें हम एक कोट नंबर बताए रहे, अगर मेहमान ज्यादा दिना रुक के रह जाए तो तुम घर में कर लियो झगड़ो के मेहमान डगरो। और जो डोकर ने डोकरी के लहंगा में लाठी मारी, दमान सोचन लगे कहूं हम पे नंबर ना आ जाए, जोरा उठाओ चुपई चाप आंगन से निकल दे। गए नहीं द्वारे के सामने एक बिठा लगो है, तो भाई बिठा में मुढ़ेरी खंगाई है दमान। और जो डोकर डोकरी ने दमान को जात देखो, अब डोकर डोकरी आंगन ही में नचन लगे और दमान बिठा में घुसे। अब डोकर डोकरी से बोले का बोले हमने प्यारी मारी नाए, डोकरी बोली तो स्वामी मेरे दर्द नाए, डोकर बोले हमने तेरे मारी तो नहीं थी, हमने तो जासो मारी थी बे दमान चले जाए। देख दमान चले गए और लला दमान बिठा में मुलक के देख रहे, बाजी बा हमें भजाए के नच रहे जय हम नहीं। और दमान बिठा से निकले धीमे धीमे आंगन की तरफ चलन लगे, जहां डोकर डोकरी नाच रहे तई। अब डोकर फिर डोकरी से बोले हमने प्यारी मारी नाई, डोकरी बोली तो स्वामी मेरे दर्द नाई,